कर रही है। तो लखनऊ में महानगर इलाके में मेट्रो सिटी है, आप खुद देखिए कि तो एमएलए अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी। पुलिस मेट्रो सिटी स्थित फ्लैट पर पहुंची। महानगर थाने की पेपर मिल का मामला। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी मौजूद। डीसीपी कासिम आप दिए डीसीपी मौजूद है। एमएलए अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी। तो लगातार पुलिस तमाम बिंदु पर जांच कर रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी मौजूद है। डीएसपी कासिम और अब्बास अंसारी की तलाश में फिलहाल किस तरीके से अब तलाश जारी है। महानगर थाने की पेपर मिल का यह मामला सामने आया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो अब्बास अंसारी एमएलए जिनकी तलाश में फिलहाल जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। महानगर थाने की पेपर मिल का मामला सामने आया। भारी पुलिस फोर्स के साथ फिलहाल डीसीपी कासिम आप्टी या डीसीपी मौके पर मौजूद है। एमएलए अब्बास अंसारी की बात करें तो फिलहाल अनूप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, अभी तक आप लगातार जो पुलिस फोर्स के साथ ही मौजूद है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, डीसीपी जो है कासिम आब्दी, उनके नेतृत्व में जो है ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। महानगर में जो मेट्रो सिटी अपार्टमेंट है वहाँ पे 10वें तल पे जो है बना करके भेजी गई है। करीब 8 टीमें हैं, जो बताया जा रहा है कि जो है पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तो यहाँ पर जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी अब्बास अंसारी की जो लोकेशन है वो फिलहाल नहीं मिल पाई है। ये उनके रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ जो है पुलिस की टीम पहुँची थी। खुद डीसीपी जो कासिम आब्दी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी उनके साथ है। ADCP और ACP सही जो थानों की फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। महानगर इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। आप खुद देखिए कि लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है चला जाएगा। सर क्या कहेंगे, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं? महानगर में एक मुकदमा लिखा गया था 2019 में। इसमें हम लोग माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी था और हम लोग प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी का। जितने भी संभावित स्थान है वहाँ पर दबिशें मारी जा रही है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। सर, ये मेट्रो सिटी में जहाँ पे आपने रेड किया, ये किसका फ्लैट है? जैसा कि इनमें अब्बास अंसारी का नाम से भी फ्लैट है और इसमें जो सिकबतुल्ला अंसारी है इनके नाम से भी एक फ्लैट है। जो भी लोग हैं यहाँ पर, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इनपुट्स के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पर संभावित स्थान है जहाँ पर ये छिप सकते हैं, उनके सभी स्थानों पर हम लोग छापेमारी चल रही है अभी, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। बहुत डिटेल में हम अभी इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, बट ये है कि लगातार साइमल्टेनियस कई अन्य जनपदों में भी ऑपरेशन चल रहा है। जल्दी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लखनऊ के और भी ठिकाने हैं जहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अभी क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग है, विस्तृत जानकारी आपको अभी कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ पता चल पाया सर? अभी हम लोगों ने जैसा छानबीन किया, अभी यहाँ पर इनकी उपस्थिति नहीं है अभी। बाकी स्थानों पर अभी दबिश लगातार चल रही है। चलिए, शुक्रिया सर। तो बिल्कुल सर्च किया गया है, फिलहाल यहाँ पर अब्बास अंसारी जो है नहीं मिले हैं। जो यहाँ पे लोग मिले हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, पूरे फ्लैट को छाना गया है। इसके अलावा लखनऊ के जो कई और इलाके हैं वहाँ पर जो है पुलिस की टीमें पहुँची हैं, लगातार जो है वो छापेमारी कर रही हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि अब्बास अंसारी के खिलाफ पहले ही जो है वारंट जारी है। कोर्ट ने बोला है, एक डेट भी दे दी है कि उस डेट में यानी 25 तारीख जो डेट है उसमें अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में पेश करना होगा। लिहाजा पुलिस की टीमें लगातार जो है दबिश दे रही हैं, और सिर्फ यूपी और लखनऊ ही नहीं, इसके अलावा जो अन्य जो राज्य हैं, कई 8 राज्यों में जो है लगातार पुलिस की टीमें जो है वो पहुंची हुई हैं। और जो भी ठिकाने हैं अब्बास अंसारी के, जो भी इनपुट मिल रहा है वहाँ पर लगातार दबिश का दौर चल रहा है। कैमरा पवन साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो एमएलए अब्बास अंसारी की तलाश में जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी मौजूद है। डीसीपी कासिम आब्दी और डीसीपी समेत फोर्स मौजूद है। तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से जगह जगह पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, अभी कुछ कहना वाकई में पुलिस के लिए भी जल्दबाजी होगा, लेकिन तलाश में लगातार छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अनूप देखिए बिल्कुल, ये महानगर का मेट्रो सिटी है जहाँ पे 10वें तल पे जो अपार्टमेंट है वहाँ पर अब्बास अंसारी का खुद का भी आवास है। इसके अलावा ठीक उसके सामने जो है उनके जो चचेरे भाई हैं उनका आवास है। तो आज डीसीपी कासिम आब्दी के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स के साथ वो पहुंचे थे और पूरे फ्लैट को सर्च किया गया है, एक एक कमरे को देखा गया है, लेकिन अब्बास अंसारी जो है यहाँ नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई है। अब जो टीम है यहाँ से रवाना हो गई है और जो दारुसफा में जो विधायक निवास है जहाँ पे अब्बास अंसारी का आवास है वहाँ पर टीम पहुँच रही है, वहाँ पर भी सर्च करने पहुँच रही है कि कहीं अब्बास अंसारी वहाँ तो नहीं है।
इसके अलावा जो भी उनके संभावित ठिकाने हैं, जहां जहां का भी इनपुट मिल रहा है पुलिस को, वहां पुलिस की टीमें जो पहुंच रही हैं लगातार दबिश दे रही हैं। आपको बता दूं कि यूपी और लखनऊ नहीं, इसके अलावा जो 8 राज्य हैं वहां पर भी जो है लखनऊ से टीमें जो है पहले ही रवाना हो चुकी हैं, और जहां जहां पर अब्बास अंसारी की लोकेशन मिल रही है या कोई भी इनपुट मिल रहा है वहां पर टीमें जो है ये सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से महानगर कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है कि फर्जी तरीके से जो है एक लाइसेंस पे जो है कई असलहे लिए गए, तो उस मामले में इनके खिलाफ जो है वारंट जारी किया गया है कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने डेट जो है वो तय की है, उसी डेट में गिरफ्तार करके इनको कोर्ट में पुलिस को पेश करना है। लिहाजा पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो काफी तेज हो गया है। कई थानों की फोर्स, यूं कहें तो कम कम सैकड़ों संख्या में पुलिस बल के साथ जो है यहाँ पे टीम पहुंची थी, लेकिन अब्बास अंसारी यहाँ फिलहाल नहीं मिले हैं। अब दारूसपा में जो है पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर भी लगातार ये दबिश जो है पुलिस की चल रही है। पुलिस का कहना है कि हमारी कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, उनके खिलाफ वारंट भी जारी है, लिहाजा उनको गिरफ्तार करना पहली प्राथमिकता है। तो इसी कड़ी में जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल अब्बास अंसारी कहाँ है इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। चलिए, लेकिन पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है, दबिश लगातार दी जा रही है, छापेमारी कर रही है, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अब्बास की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है।